जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हो गया है 4 बज गया है और अभी मैं रूम में हूँ। फिलहाल अभी ड्यूटी नहीं है आज, इसलिए मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए एक वीडियो में बना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का अभी मेडिकल नज़दीक पहुँच रहा है और आप लोगों का इस वीडियो से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही आदमी डर रहा है और रीमेडिकल बहुत ही ज़्यादा आदमी को मिलता है, और किस किस चीज़ में आपको मिलेगा आपको मैं बोल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गलती के लिए आपको रीमेडिकल मिल सकता है। इसलिए दोस्त ये चीज़ आप क्या है, घर से आप अच्छा से आप जाइए और जो भी आपका क्या है प्रॉब्लम है सॉल्यूशन उसका कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या है, थोड़ा सा चीज़ के लिए आपको रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल का टाइम कितना है, मतलब अभी ये जो गाइडलाइन दे रखा है 2015 का हिसाब से होम मिनिस्ट्री से उसका जो गाइडलाइन निकाला था मेडिकल का, मतलब किस किस चीज़ में आपको मेडिकल में आपको अनफिट कर सकता है, कितना दिन होना चाहिए ऑपरेशन, सब कुछ आपके साथ आज मैं डिटेल में बात करूँगी दोस्तों। साथ ही आप लोगों को मैं दिखाऊँगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम मतलब होने से आपको अनफिट कर सकता है A to Z। पहले से आपको मैं बताना चाहता हूँ किस किस चीज़ में आपको क्या है अनफिट कर सकता है, रीमेडिकल मिल सकता है। देखिए पहले आपको मैं वो बाद में आपको ऑर्डर आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको रीमेडिकल फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ, रीमेडिकल जो आपका क्या है, आपका हाथ से लेके पूरा पहले आपको देखेगा क्या है, आपको हाथ देखेगा पहले, आपको लोगों को खड़ा करने के बाद पहले आपको हाथ देखेगा, ऐसे देखेगा दोनों हाथ से, मतलब ये जो ऊपरी हुआ हिस्सा है ना वो ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए, वो आने से भी आपको अनफिट कर सकता है, मतलब रीमेडिकल मिल सकता है उसमें भी। रीमेडिकल किस में मिलेगा मैं आप लोगों को वही बात बताऊँगा। हाथ का बारे में आपको मैं बोल दिया, ये जो आपको है और दोनों हाथ ऐसे आपको जो मैं पहले भी बना चुका था, ये दोनों जिसका लग जाता है ऐसे तब भी वो क्या है अनफिट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए क्या है, आप पहले से उसका जो एक्सरसाइज है आपको मैं जैसे बताया था ना हाथ का, वो आप एक्सरसाइज कर लीजिए तो आपका थोड़ा सा क्या है सुधर सकता है दोस्त। उसका बात आ जाता है क्या है दोस्त, आपको क्या है हाथ तो मैं बोल दिया, उंगली के बारे में आ जाता है, उंगली आपको कैसे है। और दोस्तों और एक बात बताना चाहिए, किसी का ये हाथ टूटा हुआ है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए हाथ टूटा होने से भी आपका सीधा है, मेरा जैसे सीधा है, मेरा तो हाथ टूटा नहीं है, तब भी आप लोगों को बोला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक्सरे नहीं करेगा दोस्तों, एक्सरे नहीं होगा इसमें। इसलिए दोस्तों क्या है, आपको उंगली सीधा होना चाहिए, उसमें कोई तैरा नहीं है, पूरा आपको मतलब काम होना चाहिए। उसमें भी किसी का थोड़ा सा तैरा है गाँट, मतलब उसका क्या है कहीं फुटबॉल वॉलीबॉल खेल दिया थोड़ा सा उंगली किसी का मतलब ऐसे बैंड हो रखा है, उसमें भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है, क्योंकि जो गाइडलाइन में है उसमें भी आप लोगों को दिखाऊँगा मैं बाद में। और उसके बाद दाँत के बारे में आ जाता है, हाथ तो हो गया आपको मैं बोल दिया हाथ का, उसमें आ जाता है इस बार दाँत क्या होना चाहिए। देखिए ये जो दाँत है, बहुत आदमी बोल रहा था सर दाँत का वीडियो, इसलिए मैं ये एक ही साथ इस वीडियो में आप लोगों का सुविधा होगा, अच्छा से आप लोग देख लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा वीडियो बनाने से एक ही वीडियो में आप लोगों को आज मैं रीमेडिकल के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए दाँत आपका जो है, दाँत किस में आपको अनफिट कर सकता है, देखिए शरीर का ऐसे तो प्लेन नहीं रहता है, मेरा भी देखिए आगे वाला थोड़ा सा इसमें मतलब क्या है, मेरा भी थोड़ा सा मतलब ये है, सीधा तो है तब भी मतलब ये है। देखिए इसमें आपका एक या दो दांत टेढ़ा होने से आपका कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, आप पास हो जाएगा दोस्तों। और देखिए इसमें भी पॉइंट रहता है, आपको मैं जो गाइडलाइन दे रखा वो ही देखे आपको मैं बता दूंगी। पहले देखिए इसका जो दांत है, दांत आपको 28 दांत मिनिमम होना चाहिए, 32 का 28 होना चाहिए, और कोई प्लास्टर लगा देता है उसमें अंदर मसाला डाल देता है साइड में या दोनों तरफ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, किंतु 28 दांत आपका होना चाहिए। और आपको एक मेरा सब्सक्राइबर जो भाई बोल रहा था, वीडियो फोटो भी दिखाया था मुझे, वो थोड़ा सा कलर अलग डाला था, कलर ऐसे अलग डालने से उसमें मैचिंग नहीं हो रहा है दांत में, इसलिए क्या है उसका प्रॉब्लम हो सकता है। 28 आपका क्लियर है, अच्छा है पूरा, तब आपको कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, बा एक या दो दांत नहीं आपका तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दांत कीड़ा लगा है उसमें भी आपका अनफिट नहीं करेगा, सिर्फ किस में जो पाइडिया जैसे बीमारी है ना, दांत से किसी का खून निकलता है, इसलिए क्या पहले से उसका इलाज कर लीजिए तब आपका क्या है ठीक हो जाएगा, पाइडिया जैसे जिसका बीमार है उसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, आप लोगों को और एक बात बताना चाहता, जो खैनी वाला हो, खैनी जो लेता है ना तम्बाकू, उसका बारे में गुटखा थोड़ा कुछ दिन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ना दांत थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए, मेरा भी इतना साफ नहीं है, किंतु तब भी आप लोगों को जो तम्बाकू लेता है ना उसके बारे में मैं बोला,
वो तंबाकू हो गया, उसका बाद आपको गुटखा हो गया, ये सब कुछ आप बंद कर लीजिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि आपको मेडिकल पास करना है, इस बार नौकरी लेना है आपको। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, आपका अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आप मतलब क्या है, आप बंद कर लीजिए ये जो तंबाकू गुटखा हो ड्रिंक हो गया, ये थोड़ा सा आप बंद कर लीजिए कुछ दिन। मेडिकल होने के बाद लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु मेडिकल से पहले इसको बंद कर दीजिए। अभी देखिए ड्रिंक से भी आपका नुकसान है, उसमें भी आपका बीपी हाई हो सकता है, बा सिगरेट से भी आपका हाई हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है, आप तंबाकू गुटखा ये भी बंद कर देना। उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्या है, किसमें पूरी में देखिए बीपी ब्लड प्रेशर, ये देखिए ये बीमार कुछ नहीं आदमी का रहता है सभी का, क्योंकि आदमी यंग आदमी रहता है, कोई जिम करता है थोड़ा बहुत रहता है आदमी का किसी का, और ये क्या है सिन जब ज़्यादा घबराहट होता है तब वो बीपी बढ़ जाता है। बीपी क्या है, बीपी तो कुछ नहीं बीमार नहीं है, ये क्या है आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तब आपका क्या बीपी हाई जो हो जाएगा, तब आपको क्या है री मेडिकल ले लेगा, नेक्स्ट दिन भी आपको मापेगा, नेक्स्ट दिन भी आप थोड़ा सा ये हो तब आपको री मेडिकल मिल जाए। इसलिए दोस्तों क्या है, मैं बार बार बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से जाके आपको मन में ऐसा करना है, मन में आप जब मेडिकल के लिए जाएगा मन में आप हिम्मत रखना है और बोल सोचना है माँ बाप के लिए, आप एक बार सोच लेना आज मैं आया हूँ इधर घर के लिए और आपको मेडिकल पास करना है, आप बिल्कुल घबराना नहीं है उसमें आपको कोई। उस दिन जब आपका बीपी देखेगा कुछ भी करेगा तब आप थोड़ा सा भगवान का जो जिसको मानता है उसका याद कर लीजिए, तब आप आराम से पास हो जाएगा बीपी में भी, क्योंकि बीपी में भी आपको रीमेडिकल मिलेगा, क्या फ़ायदा है। उसका बाद हो गया दोस्तों क्या है आपका कान, कान कैसे सेक होता है आपको ये बात पढ़ना, कान तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, कान आप पहले आप मेडिकल से पहले एक या दो दिन पहले आप कान साफ कर लेना दोनों कान, क्योंकि उसमें आपका मल जमा होगा ना तब आपको अनफिट कर सकता है, मतलब री मेडिकल मिल सकता है, क्योंकि गुस्सा हो जाएगा वो डॉक्टर, गुस्सा होने से आपको कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्या है दोस्तों, आप साफ सुथरा रहेगा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तब भी आप आराम से पास हो सकते हैं। री मेडिकल काम में भी ज़्यादा से आदमी मिलता है, और जिसका कान का पर्दा चुरा गया ना उसमें भी मिलता है, उसके बाद जिसका सेट व्हाइट स्पॉट रहता है किसी उसमें भी दे सकता है। इसलिए क्या है थोड़ा सा दोस्त पहले से आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, अभी दिखा लीजिए जिसका है तुरंत जाके आप डॉक्टर से ये कीजिए। उसका बाद ऐसे आपको कान चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे आपको कान में क्या है, कान में से थक देगा दूसरे कान से आपको पीछे से बोलते रहेगा एक ऑफिसर एक वन टू ऐसे बोलते आप तो उसके बोलना पड़ेगा। इसलिए क्या है आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छा से, नहीं तो नहीं सुन पाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मतलब आपका क्या है रीमेडिकल का चांस रहेगा, और किस चीज़ में आपको रीमेडिकल मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्या है आपका नाक, नाक में क्या है डीएनएस का किसी का प्रॉब्लम है, मतलब आपको साइनस का प्रॉब्लम है उसमें भी आपको ये कर सकता है ज़्यादा है तो प्रॉब्लम। इसलिए क्या है दोस्तों क्या है, और जो नाक का हड्डी है ना किसी का बहुत टेढ़ा रहता तब आपको रीमेडिकल मिल सकता है नाक, इसलिए नाक भी साफ सुथरा कर लेना, बूढ़ा गंदगी नहीं रखना है, नाक हो गया। उसके बाद हार्ट का जो साफ सुथरा जो हार्ट का नीचे जो रहता है मतलब सब कुछ आप साफ सुथरा रखना, इसमें बोलने का तो चीज़ है नहीं। दाढ़ी मेन बात क्या है, फोज में दाढ़ी पक्का बनाना है। इसलिए दोस्तों क्या है, आप पूरा दाढ़ी लेके जाएगा ना आपको भगा रहेगा, इसलिए आपको दाढ़ी 100% आपको काटना पड़ेगा, आप काट लेना पूरा, काटने के बाद आपको बाल चाल थोड़ा सा मतलब साफ सुथरा होकर जाना, क्योंकि इधर क्या है फोर्स में होता है क्या है आपको काम जानो या मन ये करो, किंतु आपको क्या है जानना जरूर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको है तब आप एकदम पास हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आप लोगों को बताता हूँ मैं, उसका बाद आ जाता है आपको क्या है आई, आई में देखिए आई में बहुत ही आदमी मुझे कमेंट कर रहा है, बहुत ही आदमी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज दे रहा है, अभी देखिए इतना आदमी को सारा आदमी को तो मैं बोल चुका हूँ वीडियो भी बनाया हूँ, आई में आपको कैसे क्या करना है, आई में भी री मेडिकल मिल सकता है, कैसे आपको डिस्टेंस में कितना होने से आप पास हो जाएगा। आई का आपको जो गाइडलाइन में बताया है उसमें जो 2015 का जो होम मिनिस्ट्री से जो गाइडलाइन निकाला है 2015 का मेडिकल का, उसमें मेडिकल ऑफिसर बताया उसमें दिखाया 6x9 और 6x6 का अंदर जो है वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। देखिए 6x6 तो है आपका, 6x9 मतलब उसका अंदर है एक आई, एक आई तो आपका 6x6 और एक आई में थोड़ा सा कम है तब भी आपका क्या है चल जाएगा, उसमें आपका कोई घबराने वाला बात नहीं है। और बात क्या है आपको क्या है जॉब पढ़ने के टाइम में मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोगों पास होने से मुझे भी खुशी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
आपका जो मेडिकल होगा आप पहले से कांटेक्ट कर लेना दूसरा दोस्त का, कौन सा शर्ट मंगाया है, कौन सा शर्ट उसमें पढ़ने के लिए दे रहा है, और वही शर्ट आप याद कर लेना, ऐसे भी आप पास हो सकता है। और दूसरा बात है क्या है, आपका जो आई में कम है हल्का सा, मतलब 6x9 है, 6x6 से लेके 6x9 के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो आराम से आदमी पास हो जाएगा। एक आई से पहले पढ़ लेना जिसका एक आई का ठीक है, दूसरा आई का जब पढ़ने के लिए देगा तब या जब रखेगा तब वो आप बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप ये वाला भी सिस्टम मन में रखना, बोलना नहीं है, क्योंकि इस बार आप लोगों को ज्वाइन करना है SSC GD CRP हो BSF कहीं भी ज्वाइन करना है, इसलिए दोस्तों। और दोस्तों उसका बता चाहता था आई का कलर विजन, एक दोस्तों बोल रहा है मुझे, भाई बोल रहा था कलर विजन सर आप तो बताया नहीं मुझे। दोस्तों क्या है कलर विजन का, जो आपको मैं बता रहा था कलर विजन का क्या है, कलर विजन आपको क्या है, आपको एक बुक देगा उसमें आपको श्रृंखला रहता है, ऐसे पार्टी मारते रहेगा पेज और आपको पूछते रहेगा, बोला ये क्या है वो क्या है, मतलब ऐसे पूछते रहेगा, तब आपको क्या है बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस टाइम भी आपको क्या है फेल कर सकता है, मतलब रीमेडिकल मिल सकता है। क्योंकि रीमेडिकल देखिए कलर विजन में आपको रीमेडिकल मिल गया उसमें तो मुश्किल है, कलर डिस्टेंस में आदमी पास हो सकता है किंतु इसमें तो मुश्किल है। इसलिए दोस्तों आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, आई में देखिए बहुत ही ज़्यादा आदमी रीमेडिकल मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या है और बोल रहा था नोकनी प्रॉब्लम, मेरा भाई एक बोल रहा था बोला सर नोकनी प्रॉब्लम का एक वीडियो बनाए। देखिए नोकनी प्रॉब्लम खड़ा होने के लिए मैं पहले भी आपको वीडियो में बनाया था, नोकनी का मतलब कैसे खड़ा होना है क्या करना है, देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आज और एक बार दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो नोकनी है देखिए नोकनी प्रॉब्लम, थोड़ा सा ये है दरवाजा के लिए, देखिए ये जो नोकनी प्रॉब्लम है आपको कैसे क्या करना, आपको जब खड़ा होना है ना, देखिए ये जब खड़ा होना है नीचे से, आपको खड़ा होने से ये थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा सा कि खोल देना है और हल्का सा मतलब इसमें टाइट नहीं करना है। ये जो पीछे वाला जो हीव है, हीव जो पीछे वाला हीव है दोनों तरफ, उसमें आपको ना उसमें आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें आपको टाइट कर जाना है, तो पीछे वाला हीप है ना, हीप वाला को टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपको क्या है अपना आप ये देखिए अपना आप ऐसे खुल जाएगा, नहीं तो मेरा भी लग जाएगा ऐसे, देखिए मेरा भी लग जाएगा। इसलिए क्या है ये ऐसे खोल लीजिए, खोलने के बाद आपको सीधा हो जाए प्रॉपर सीधे पूरा ऐसे टाइट कर दीजिए, और ये जो हीप है हीप वाला पूरा टाइट कर लेना, ये जो हीव है हीप वाला टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद आपको क्या आराम से आप पास हो जाएगा दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकता। और थोड़ा सा किसी का ऐसे लग गया पास हो गया उसका काम, उसको रीमेडिकल मिलेगा या क्या मिलेगा कुछ पता नहीं दोस्तों। इसलिए क्या बार बार आपको मैं बोल दिया हूँ उसके बारे में भी मैं बोल दिया हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्या आपका क्या है आपका तो आ गया, उसके बाद क्या है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है देखिए दोस्तों ये जो फ्लैट फुट है ना मेरा, देखिए तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये फ्लैट फुट ये वाला देखिए मेरा गैप्स है, ये गैप्स होना चाहिए इसमें जिसका प्लेन है ना उसमें भी आपको अनफिट कर सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है इसमें आपको क्या है इसमें अपना देखिए मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे आपको ऐसे बांधने से भी ऐसे बांध के आपका भी ऐसे बांध के भी ना देखिए ऐसे बांध के भी आपको क्या है खींच सकता है दोनों पाँव में ऐसे, मतलब क्या है ये ऐसे 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 करके भी आपको क्या है ये कर सकता है, ये फ्लैट फुट का सही कर सकता है। इसलिए दोस्तों क्या बहुत ध्यान देना है इस चीज़ में। उसका बाद आ जाता है दोस्तों क्या है फ्लैट फुट बोल दिया आपको, उसका बाद आ जाता है आपको क्या है स्किन का कैसे किस में आपको रीमेडिकल मिलेगा। स्किन का दोस्तों क्या है देखिए स्किन का भी इधर रहता है कहीं हाथ में रहेगा कहीं पाँव में रहेगा, इससे क्या है दोस्तों स्किन में भी आदमी रिलीकर रहता है ज़्यादा, उसका क्या है फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन उसमें भी आपको निकल देता है। इसलिए क्या है पहले आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि आपको रीमेडिकल मिलेगा, स्किन का ज़्यादा थोड़ा सा दाग होगा तो अभी स्किन का मतलब रीमेडिकल मिलता है, पास हो जाता है आदमी।
सिर्फ एकदम आपको मैं आज बता रहा था, जो जो आपको रीमेडिकल किस में मिल जाएगा वो तो मैं बोल गया, और आप रीमेडिकल में किस किस चीज़ में आप पास हो सकता है, रीमेडिकल में किस किस चीज़ में आप पास हो सकता है वो भी आपको मैं बता रहा था। देखिए रीमेडिकल में आपको पास होने वाला चीज़ है एक नौकनी प्रॉब्लम हो सकता है, वो ट्रिक मेरा जैसा फॉलो करेगा तो आराम से पास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ गया डिस्टेंस में, उस दिन कुछ बोल नहीं पाया, एक दो गलती हुआ था, नेक्स्ट दिन उसका सुधर गया, वो पास हो जाएगा रीमेडिकल। उसके बाद किसी का हाथ में थोड़ा सा ये था, डॉक्टर सोचेगा इसका तो सब कुछ ठीक है, हल्का बोला इसको रहने दो दे दो, ऐसे पास हो जाएगा। उसके बाद आपका दांत में रीमेडिकल में पास हो जाएगा। उसके बाद आपका कान में किसी का मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था उसमें भी आप पास हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब ऐसे चीज़ में आपको पास हो जाएगा, जैसे प्लेट फूड है उसमें भी पास हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है मतलब रीमेडिकल इतना में है और आप पास हो जाएगा। मेन है रीमेडिकल आपको अनफिट करने वाला कलर विजन, उसके बाद जो पाइल्स पाइल्स आ जाता है बीमार, पाइल्स कैसा है पाइल्स के बारे में बताता हूँ आपको। जो पाइल्स का ना वो चीज़ जो निकलता है रेत रहता है, और उसका आप दवाई लीजिए अभी से, दवाई मतलब लेते रहो, और मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम करो अभी, क्योंकि आपके मेडिकल आ रहा है, दवाई लेते रहो आपका ठीक हो जाएगा। वो ज़्यादा नहीं होगा तो हल्का सा होगा, उसमें आपको कोई आपको ये स्टेप में कम स्टेप में रहेगा ना, 1-2 स्टेप में आपका रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं है उसका, तब आराम से पास हो जाएगा, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता डॉक्टर भी। बस इतना में आपको रीमेडिकल मिल सकता है, बाकी में देखिए देखिए। और एक बात है प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट में क्या कैसे होता है उसका भी मैं डिटेल में इसमें ही बता रहा था। प्राइवेट पार्ट दोस्तों क्या है, प्राइवेट पार्ट का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें उसका आदमी का पीछे आना चाहिए, जो स्किन है वो पीछे आना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्या है, उसमें जो किसी का दाग नहीं होना चाहिए, रेड हो वाइट हो, उसमें दाग होने से भी अनफिट कर सकता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या, हाइड्रोसिल वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा होने से भी आपको क्या है उसमें निकल लेगा। इसलिए क्या है दोस्तों, क्या है आपका सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा, जो प्राइवेट पार्ट है उसका ए टू जेड जो जो सेक होता है मैं सब कुछ बोल दिया आपको। उसमें क्या आपको क्या है, जैसे अंदर भी पहनने से भी होता है, उसमें क्या साइड में थोड़ा सा ये उसके मलहम लगा के रख देना ठीक करने के लिए, मतलब हल्का फुल्का वो ठीक कर लेना, बाकी इसमें क्या है कुछ नहीं है। हाइड्रोसिल वाला में ना आपको अनफिट कर सकते हैं, इसलिए क्या है वो पहले ही आप जो उसका सॉल्यूशन करना ना डॉक्टर के पास जाके। और बाकी उसमें तो मेरे और आगे किसका आपका ये तो हो गया है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका क्या है, बस इतना है मेडिकल में और ईसीजी दोस्तों और भी खुल गया है, जो चेस्ट है ना सिर्फ एक्सरे करेगा, उस दिन भी मैं बताया था। इसलिए आज मैं सोच रहा था मेडिकल का आपका सारे पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए क्या ईसीजी आपको चेस्ट में करेगा, बाकी आप ताकि आपके हाथ में पाँव में नहीं होगा, ईसीजी जो एक्सरे है वो सिर्फ चेस्ट में होगा और पीछे की तरफ करेगा आपको, बाकी हाथ में भी पाँव में भी इसमें एक्सरे नहीं करेगा, और ईसीजी करेगा आपको। आपको ईसीजी तो पता है, आपको मशीन लगा रहेगा हर जगह में, आपको वो लगा रहेगा, लगाने के बाद आपको देखेगा आपका कितना है हार्ट बीट सब कुछ आपको चेक करेगा। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा घबराना नहीं, घबराने से आपको कुछ और दूसरा उल्टा सीधा और बीमार होगा जो नहीं है वो भी हो सकता है। इसलिए क्या दोस्तों बस इतना ही था मेडिकल का, आप लोगों को जानकारी मैं दे दिया कि इसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है और आप लोग ये चीज़ से आप मतलब पास हो जाएगा, तब आप आराम से पास हो जाएगा। और देखिए और एक गाइडलाइन में दे रखा है, इसमें जो सुराख रहता है ना आपको मैं फोटो दिखा दूंगा, वो ऐसा होने से भी वो अनफिट हो जाएगा। क्यों दोस्तों मैं बोला, उसका होने से भी जो गाइडलाइन है, आप गाइडलाइन भी मैं दिखाता हूँ, उसका भी होने से भी मतलब क्या, उसमें अनफिट है ज़्यादा होने से भी। और उसका बाद देखिए किसका ऑपरेशन में कितना दिन तक मतलब वैलिडिटी है, उसका बाद कौन सा आप अपेंडिक्स हो गया कुछ भी हो गया आपका हाइड्रोसेल वाला ऑपरेशन, सभी का टाइम दे रखा है, जो 2015 वाला जो गाइडलाइन दे रखा है होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर, उसमें मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा गाइडलाइन दे रखा है, वो गाइडलाइन आप फॉलो करेगा तब आप आराम से पास हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। रुके तब दिखाता हूँ मैं गाइडलाइन आपको। ये जो नसल है ना, इसमें ऐसा प्रॉब्लम होने से, नसल पॉलिप जो है ये प्रॉब्लम होने से आपको अनफिट कर देगा नाक में, डीएनएस का जो है ये देखिए इसका ठीक है और आपको ठीक होना से उसमें आपको अनफिट कर सकता है, इसमें आपको पास नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप अनफिट हो सकता है। उसका दांत तो आपको मैं बोल दिया था,
आपको क्या है 28 तक मिनिमम होना चाहिए, उससे कम होने से आपको अनफिट कर सकता है। जो मसाला डालता है आप अच्छा से डाल देना, मैं पहले ही आपको मैं बोला उसका जो कलर है कलर में सेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, जो मेन पॉइंट है आपको मैं वही बता दूंगा। उसके बाद चेस्ट, उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है इसमें देखिए, चेस्ट देखिए, देखिए दोस्तों क्या है इसमें, चेस्ट चेस्ट ये होने से ना आप अनफिट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसका भी प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम होने से आप अनफिट हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं बार बार बताता हूँ 2015 का गाइडलाइन के हिसाब से जो ये फोटो दे रखा है, इसका जो मेडिकल का बोर्ड का से ये दे रखा है, ऐसा सिस्ट होने से आप अनफिट हो सकता है दोस्तों। आपको इसमें कोई मतलब पास नहीं कर सकता है, देखिए इसका प्रॉब्लम, ऐसे होने से भी आप अनफिट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों नॉर्मल होना से आपको, जैसे नॉर्मल होने से मतलब आप पास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखिए हाथ का, हाथ का भी आ जाता है, हाथ देखिए इसका कितना ये है, मतलब हाथ आपको नॉर्मल यही है हाथ। और इसका देखिए, इसका इसका भी है, इसका भी प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम होने से भी आप अनफिट होगा। और इसका भी देखिए कैसा है, मतलब हाथ इसका जैसे है नॉर्मल, नॉर्मल होना चाहिए। आपको उसका भी कितना डिग्री का होता है उसमें भी मैं आपको बोल रहता हूँ। देखिए ये भी आदमी, इसका भी अनफिट है, ऐसे होने से भी आप अनफिट हो जाएगा। उसका दोस्तों क्या है, आपको नोकनी, बोलेक, फ्लैट फूट, ये तो मैं सब कुछ बता दिया आपको, फेरिकॉज पेन, फेरिकॉज अल्सर, साइनस, मस्केल वास्टिंग, सब कुछ आपको मैं बोल ही दिया हुई है। और देखिए इसका पैर पाओ, ऐसा होने से भी आप अनफिट है, ये वाला भी अनफिट है, ये भी अनफिट है, ये सब कुछ ऐसे होने से ना अनफिट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या है, पहले से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना देखिए नोकनी प्रॉब्लम, ये अनफिट है क्योंकि इसका नीचे वाला खुला है ऊपर वाला लगा है, इसको पूरा मेजरमेंट पूरा देखेगा। इसलिए क्या है दोस्तों आप थोड़ा सा देख लेना। और ये फ्लैट फुट देखिए, ये फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम है, आपको मैं बोला था ना ये अनफिट है, यही पास होगा ये वाला। इसलिए दोस्तों ये भी देखना। और देखिए देखिए उंगली, उंगली उंगली कैसा है, इसका भी प्रॉब्लम है, तब भी उसमें पास हो सकता है, किंतु ये तो अनफिट होगा, ये भी अनफिट होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान देने वाला बात है, देखिए इसका भी प्रॉब्लम, ये भी ये पास है, ये फेल है ये दोनों। उसका देखिए ये फेरिकॉज वेन्स, मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा था फेरिकॉज वेन्स ऐसे रहेगा तो आप अनफिट है, ये देखिए अनफिट रहेगा, ऐसे रहेगा तो आप अनफिट है, आपको कोई पास नहीं कर सकता है। देखिए अब बाई चांस आप पास कर सकता है, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये है आपको अनफिट कराना है। और देखिए इसका भी आपको हाथ दिया जाता है, ये स्कूल, ये स्पाइन जो है नॉर्मल वाला ये है आपका, इसमें भी तैरा हो जाएगा, इसमें भी आपको ये रॉड आपको स्केल मार के देखा जाएगा, इसमें तैरा होगा तब भी आपको अनफिट कर देगा इसमें। और इसमें आप देखिए ये है, ये भी अनफिट कर देगा, ऐसे कैसा है ये झुकने से भी, इसलिए सब कुछ देखेगा। ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल से आप, और इसमें जो है ना इसमें अनफिट कर देगा। स्किन डाइजेस्ट एंड द लेप्रोसी, स्किन डाइजेस्ट में क्या है देखिए, ये जो आपको ये जो दिखा है ना, देखिए इसमें दिखा रहा है, ये जो है पेनिस है, पेनिस में आपको जैसे दिखा रहा है ना, इसमें इसमें जो जो नॉर्मल वाला है सूरज जो है पेशाब वाला जो ये रहता है, सिर रहता है वो आगे से रहना चाहिए। और इसमें कोई आपका जो नर्व, ये जो है ना नर्व, जो नर्व है वो उसमें नर्व जो है उसमें क्या है, जो फेरिकॉज वेन्स ज़्यादा दिखाई देगा तब भी आपको क्या है उसमें आपको बाहर कर देगा। और देखिए इसमें भी देखिए, ये भी आपका फेरिकॉज वेन, ऐसा आदमी को भी आपको रिलीगेट कर सकता है, मतलब रिलीगेट मतलब आपको क्या है बाहर कर सकता है, रिलीगेट भी मतलब हमारा भाषा से आ जाता है ट्रेनिंग में रिलीगेट बोलते हैं, इसलिए मैं आपको ये इसमें भी बाहर हो सकता है। देखिए फेरिकॉज वेन जो है आपको ये देखिए, ये वाला भी प्रॉब्लम होने से भी आपको अंदर ये कर देगा, ये देखिए कैसा है, इसमें भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। ये देखिए कैसा है, सब कुछ में ना अब वो ये रिजेक्ट कर सकता है, ये बीमार।
और इसमें भी दे रखा है देखिए, केसेस हाइड्रोसिल इन द 90 डेज में भी दे एक्सेप्टेड नॉट पोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन केस ऑफ द फेरिकोसिल एसआरजी डन 180। 6 महीना आपको क्या है फेरिकोस वेंस का ऑपरेशन होने के बाद 6 महीने आपका होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या है आपको घर भेज सकता है। और देखिए इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में भी बोल दिया, नॉर्मल रेंज 12 से 16 डिग्री तक रहना चाहिए मेल का और 10 से 14 ग्राम तक फीमेल का होना चाहिए। ये देखिए इसमें भी दे रखा है, ये जो है 14, उसके बाद ये सब कुछ दे रखा है, एक्सरे क्या है सब कुछ दे रखा है इसमें। इसलिए क्या है दोस्तों, और टाटू में भी आपको क्या है, छोटा मोटा टाटू में आपको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। देखिए यही वाला मेन चीज़ है, देखिए 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 मेन चीज़ इसमें आपको ध्यान देने वाला है, ये जो है आपको DNS कितना महीना मतलब क्या है ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस बॉडी सर्फेस स्विलिंग नॉर्सल पोलिशन 1 मंथ, इसमें जो DNS का है इसमें आपको क्या है 1 मंथ दे रखा है, मतलब 1 महीने के बाद आपको फिट कर देगा। हाइड्रोसिल वाला है 3 महीना, हाइड्रोसिल वाला जो ऑपरेशन करेगा ना 3 महीना पुराना होना चाहिए, जो हाइड्रोसिल वाला है 3 महीना, ये हाइड्रोसिल वाला। उसके बाद दे रखा है क्या है थिम्फोजन, ये टिम्पेनोप्लास्टी 4 मंथ, टिम्पेनोप्लास्टी ये 4 मंथ मतलब पुराना होना चाहिए। जो फेरिकोस सर्जरी जो है दे रखा है वो 6 महीना, फेरिकोस सर्जरी जो है वो 6 महीना पुराना होना चाहिए, फेरिकोस वाला 6 महीना। उसका रिविजन शूट भी देखे थायराइड, उसके बाद हाइपरट्रोसिस प्रोनिरा आइस, मतलब इसमें होने से भी आपको क्या कैंडिडेट इज की बात द ऑफ द साम इन वन द री एग्जामिन माइंड साइन पार्ट कैंडिडेट टू द रिजेक्ट, रिजेक्ट करेगा आपको। थायराइड किसी का है, हाइपरटेंशन आपको है, उसके बाद मतलब ये प्रॉब्लम होने से भी आपको रिलीगेट करेगा। फीमेल कैंडिडेट नॉर्मल स्पेशली यही है इसमें गाइडलाइन में आपको, तो मैं बोल दिया हूँ दोस्तों जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बोल दिया हूँ। और इसमें देखिए ये गाइडलाइन, देखिए ये गाइडलाइन आप लोग देखा नहीं होगा, बहुत आदमी मुझे क्या है बहुत आदमी मुझे पूछ रहा था सर वेट कितना होना चाहिए क्या है। देखिए हाइट आपका क्या है 156 जो भी है, पूरा इसका शार्ट दे रखा है, मैं आप लोगों को दिखा दे, आप लोग देख लीजिए अच्छा से, जिसका 165 166 है आपको इसमें एस भी दे रखा है ऊपर, देखिए 18 से लेके 22 तक है और 23 साल से लेके 27 तक है, उसका उम्र भी दे रखा है, सब कुछ इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं। इसमें फीमेल का कैंडिडेट का है एज इन ईयर्स मतलब 18 से 22 साल तक आपको कितना वेट होना चाहिए सब कुछ आपको दे रखा है ये। बस इतना ही था वीडियो में, वीडियो को तो कैसा लगा, वीडियो को तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना ना। और दोस्तों देखिए, और इसमें आपको जो मैं आपको बोल रहा था ना आई वाला यही है, आपको नॉर्मल आपको 6x6 तो होना ही चाहिए और 6x9 के अंदर भी आपको मतलब ये हल्का फुल्का होने से भी आप पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना होना चाहिए सब कुछ है इसमें, ये बोलने से तो आपको तो बहुत ही ये हो जाएगा, इसलिए आप लोग देख लेना खुद। जय हिंद, बने वातावरण।